Hello everyone, and today we'll discuss calculation of pH in case of mixture of strong acids. So this is second one, mixture of a strong acid. मतलब अपने पास दो या दो से ज़्यादा strong acid का mixture है, ठीक है? तो इसमें ये है अपने पास कि कैसे इसका हम पीएच निकाले, वो हमको देखना है, ठीक है? आइए देखते हैं। तो जैसे हम बताए हैं आपको पहले, ऑल दी एच प्लस आयन्स विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड अनलेस वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड इज वेरी डाइल्यूट। मतलब अगर बहुत कम कंसेंट्रेशन हो जाएगा तो वहाँ से जो एच प्लस बनेगा वो नेग्लिजिबल बनेगा, मतलब उसको ऐड करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम अगर कंसेंट्रेशन बहुत कम है तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, उस कंसेंट्रेशन को हम ऐड करके देख लेंगे, ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है? आइए देखते हैं। और वाटर का जो बनेगा आपका कंसेंट्रेशन एच प्लस का, वो तो ऐसे भी बहुत कम होता है रूम टेम्परेचर पर, 10^-7, उससे भी कम बनता है अगर काम किया कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक? तो यहाँ बोला जाएगा आपका, नोट कर लोगे आप, All the H plus ions will be produced from a strong acids unless one of the acid is very dilute. अभी हम एग्जाम्पल सबको दिखा रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, जैसे अगर हम बोले आपको कि एक क्वेश्चन है, आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं, ठीक? ये अपने पास क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ज़रा क्वेश्चन को आप, ये अपना क्वेश्चन है। लेट अस सी, अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए यहाँ मिक्सर है, कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या होगा, ओ एच माइनस क्या होगा, पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ml ऑफ 0.1 molar HCl जो स्ट्रांग एसिड है, एंड 800 ml ऑफ 0.05 molar H2SO4 जो कि स्ट्रांग एसिड है। तो यहाँ अपने पास दो स्ट्रांग एसिड का मिक्सर है, दोनों को मिलाया गया, तो पूछ रहा है पीएच क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या होगा मिक्सचर का, ठीक? तो वाटर भी तो होगा, लेकिन वाटर से जो एच प्लस बनेगा वो नेग्लिजिबल बनता है, हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है? तो बताओ अपना कितना एच प्लस कम मिलीमोल बनेगा, जो कि वॉल्यूम ml में है। तो अगर बात करें हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl पहले करते हैं, फिर हम बात करेंगे H प्लस का, बराबर ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले हम बात कर लेते हैं HCl का, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दो तो 0.1 × 200, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मिलीमोल आ गया। H प्लस भी 20 मिलीमोल ही होगा, क्योंकि वन मोलिक्यूल ऑफ HCl से वन आयन बनेगा, एक से एक बनेगा, दो से दो बनेगा, पाँच से पाँच बनेगा, दस से दस बनेगा, 20 से 20 बनेगा, ठीक? इसका भी 20 होगा। बात करते हैं हम लोग हैं H2SO4 का, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा, मोलारिटी पता है, वॉल्यूम पता है ml में, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 0.05 × 800 कितना आ रहा है, तो ये मिलेगा 40, है ना, 40 मिलीमोल बन जाएगा, ओके? नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ H प्लस कितना बनेगा, H2SO4 से डबल बनेगा, देखो यहाँ H2 है, हाइड्रोजन दो है, डबल बनेगा, ट्वाइस बनेगा, अगर 40 है तो 80 बन जाएगा, ये 80 मिलीमोल होगा H प्लस का, जो बना होगा H2SO4 से, ठीक? टोटल कितना होगा, टोटल हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं।
तो हम कंसेंट्रेशन निकालेंगे H प्लस का, तो टोटल मिलीमोल्स बाय टोटल वॉल्यूम इन ml, तो वॉल्यूम जोड़ दो 200 प्लस 800, वॉल्यूम कितना हो गया 200 प्लस, दोनों मिक्स किए हो ना तो वॉल्यूम ऐड हो गया, तो यहाँ से 20 था, यहाँ से 80 था, 20 प्लस 80 ये ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 1000, मतलब 1/10, मतलब 10^-1, ये मोलारिटी हो गया H प्लस का। तो pH भी तो निकल जाएगा और OH माइनस भी निकल जाएगा यहाँ से, आपको हम बता चुके हैं फार्मूला, kW बाई एच प्लस अप्लाई करेंगे हम, kW होता है रूम टेम्परेचर पर, -14, 10^-14, 10^-1, तो 10^-13 मोलर H प्लस निकल चुका, OH माइनस निकल चुका है, अब निकालना है pH। pH इक्वल टू हम बता चुके हैं माइनस log कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, माइनस log 10^-1 हो जाएगा, pH आ जाएगा 1, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सारा यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर ही है, उसको देखते हैं। देखिए, तो अगर हम क्वेश्चन आपको दिखाए, लेट अस से दिस, क्या बोला है कि लास्ट का जो प्रॉब्लम अपने पास था उसी में आप ऐड कर दो HNO3, ये भी स्ट्रांग एसिड ही है, तो मिक्सचर इसमें आप ऐड कर दो HNO3 भी स्ट्रांग एसिड है, इसको भी आप मिला दो, तो यहाँ से कितना बना मिलीमोल, जरा उसको पता लगाते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HNO3, मोलारिटी है, वॉल्यूम है 10^-6 इंटू 1000, तो यहाँ से आ जाएगा 10^-3 0.001, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस बराबर ही होगा, जो कि बहुत ही कम है, पिछले वाले केस हम देख रहे थे उसके मुकाबले बहुत कम है, ऐड करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो हम निकालते हैं अभी यहाँ पर ही कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा, तो पिछले वाले केस में कितना आया था जरा देख लेते हम लोग हैं मिलीमोल्स, पिछले वाले केस में जो आया था 20 आया था, 80 आया था, 20 और 80 आया था, ठीक है, 20 और 80 आया था, 20 आया था और 80 आया था, इसमें कितना आया 0.001, निगलिजिबल है, वॉल्यूम कितना हो गया, पहले 1000 था प्लस फिर से यहाँ 1000 है, सो दिस वन इज 100/2000 हो गया, ओके 100/2000, 0.5 है ना इंटू 10^-1, या फिर बोल सकते हो आप 5 × 10^-2 मोलर, pH निकाल सकते हैं हम लोग, है नो प्रॉब्लम। ठीक, तो अगर बोला जाए pH कितना आ रहा है, तो माइनस log कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस log 5 × 10^-2, दिस इज हो जाएगा 2 − log 5, दिस इज 2 − हम बता चुके हैं आपको log 5 का वैल्यू डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, फिर भी एक बार हम बगल में चाहते हैं कि आपको बता दें क्या होता है। देखिए, अगर हमको लिखना है log 2 को, तो दिस इज 0.3 होता है, log 3 इज 0.48 होता है, log 4 आप निकाल सकते हो, log 5 होता है दिस इज 0.7, log 6 निकाल सकते हो आप, log 7 होता है 0.85, log 8, log 9 निकाल लोगे, log 10 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ log 5 का इस्तेमाल करना था 0.7, तो दिस इज 0.7, आंसर इज 1.3, pH निकल गया, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये बात हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड का, अगर मिक्सर है तो हम कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही आसान है, बस H प्लस का
कितना मिली मोल्स है, डिवाइड कर दो वॉल्यूम इन ml से, कंसंट्रेशन निकल जाएगा, फिर pH निकाल लो आप, ठीक है, नो प्रॉब्लम। थर्ड नंबर हो जाएगा वीक एसिड। अगर अपने पास वीक एसिड है तो उसमें pH कैसे निकालेंगे हम, उसको देखना है, ठीक है। तो अगर वीक एसिड अपने पास है, लेट हमें मान लेते हैं HA है ना, इज अ वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, H प्लस बना होगा, A माइनस बना होगा। अगर हम बात करें K लिखे इसका हम, तो सपोज T इक्वल टू जीरो मतलब टाइम जीरो, T मतलब टाइम हो गया, टाइम जीरो मतलब इनिशियल है ना, या फिर स्टार्ट जब हुआ उस समय, तो C था कंसंट्रेशन इसका जीरो जीरो। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम पहुँचेगा, ये कुछ डिसोसिएट होगा, सी अल्फा कम हो गया, सी अल्फा बन गया, सी अल्फा बन गया, के लिखोगे आप के इक्विलिब्रियम, तो एच प्लस होगा, ए माइनस हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, और एच ए होगा, ये सब का सब इक्विलिब्रियम पर, ये सब का सब कंसंट्रेशन कब होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। एक्सप्रेशन यही लिखते हैं, वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो के इक्वल टू आएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा, सी कॉमन आ जाएगा नीचे से, ऊपर कैंसिल होगा, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा आएगा, दिस इज के एक्सप्रेशन ऑफ पुट करने के बाद, सी अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा। अब यहाँ हम लोग को जो इम्पॉर्टेंट सीखना है, समझना है, उसको देखिए। अगर मान लीजिए अपना अल्फा बहुत कम है, हम दो केस बता रहे हैं, अल्फा इज लेस देन 0.05, अल्फा अगर इससे भी कम है या फिर इसके बराबर है, तो हम मान के चलेंगे 1 माइनस अल्फा ये बहुत कम है 1 के मुकाबले, तो इसको हम 1 ही लेके चलेंगे। यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि अल्फा इज नेग्लिजिबल, इसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे, 1 के मुकाबले बहुत कम है, माइनस करें भी तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लगभग 1 ही आएगा, ठीक है। अगर पुट कर दे इधर तो हम के इक्वल टू मिलेगा हमको सी अल्फा स्क्वायर बाई वन मिलेगा, यहाँ से अल्फा क्या मिलेगा, तो यहाँ से अल्फा मिलेगा अंडर रूट के बाई सी मिलेगा। अब चूंकि एसिड है तो एसिड के लिए हम लोग इस यहाँ पर के लिखते हैं, ये भी आपका एसिड के लिए के, अगर बेस होता तो के भी हो जाता, ठीक है। तो चूंकि अपना एसिड है इसलिए के होगा यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो और यहाँ भी लिख दो, ठीक, अल्फा निकल गया। तो फिर आप अगर आपको एच प्लस निकालना है, एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना इक्विलिब्रियम पे होगा, सी अल्फा होगा, देख लो एच प्लस कितना होगा, सी अल्फा होगा इक्विलिब्रियम पर, ठीक। वैल्यू पुट कर दो अल्फा का, तो अंडर रूट ये हो गया, रूट के अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो अंडर रूट के इंटू सी, तो ये हम लोग को मिल गया H प्लस कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर। हमको यही निकालना भी था, तब यहाँ से हम pH निकालते हैं, ओके, तब हम pH आसानी से यहाँ से निकाल पाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक। लेकिन ये तभी हम ये फॉर्मूला तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, ये हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब ये बोला रहे क्वेश्चन में कि अल्फा बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, 5% से कम अगर डिसोसिएट हो रहा है तब, ठीक। लेकिन अगर मान लो अल्फा ज़्यादा है, 5% ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 0.05 से ज़्यादा है अल्फा, तो उस केस में आप ये काम नहीं कर पाओगे, इसको हम नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, और उस केस में क्या होगा, देखिए अपने पास ये एक्सप्रेशन था, तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। अब यहाँ अप्रॉक्सीमेशन ये अप्लाई आप नहीं कर सकते हो, पूरा सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, यहाँ सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू हम निकालेंगे, अल्फा निकालने के बाद H प्लस कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना होता है C अल्फा, इसके बाद हम pH निकाल पाएंगे। तो ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, कैलकुलेशन यहाँ करना होगा आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अल्फा स्क्वायर है ना, अल्फा निकलेगा फिर H प्लस निकलेगा तो फिर pH निकल जाएगा। लेकिन अगर अल्फा बहुत कम था तो डायरेक्टली हम ये यूज करके H प्लस निकाल सकते थे,
ठीक, तो ये दोनों में अंतर है। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम कैसे पहचान करें हम कि अपना, हम इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे H प्लस का डायरेक्टली और वी कैन यूज दिस, किस पे हम जाएं। तो एक तरीका तो ये बोला जाता है कि आप पहले आप इससे निकाल के, मतलब आप पहले आप अल्फा निकाल के देख लो इस फॉर्मूले से, और अल्फा अगर इससे कम आ रहा है तो इसको अप्लाई कर लेना, अगर अल्फा ज़्यादा आ रहा है तो आप इसमें आ जाना, एक तरीका होता है। ठीक, एक और तरीका आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा क्या, क्वेश्चन में क्या मालूम रहेगा, आप क्वेश्चन में आपको मालूम रहेगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया रहेगा और सी दिया रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है ताकि हम कौन से तरीके से जाए, कौन से तरीके से हम सॉल्व करें क्वेश्चन को, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, करना ये है आपको कि आपको क्या रहेगा, के और सी आपको नोन रहेगा, आपको पता रहेगा, और पूछ देगा पीएच निकालिए, अल्फा निकालिए, तो अल्फा के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, अल्फा निकालना आपको है, चेक करना है। तो एक तो हम इससे निकाल लेंगे हम इस फॉर्मूले से और चेक कर लेंगे किसमें जाना है हमको है। एक और तरीका बताते हैं आपको, क्या करो आप के बाई सी निकालो, ये आप फाइंड करो, पहले फाइंड करने के बाद अगर इफ के बाई सी आता है लेस देन इक्वल टू 25 × 10⁻⁴, एक फिक्स नंबर हम बता रहे हैं, ये कहाँ से है हम बता देंगे थोड़ी देर में आपको अभी। तो अगर के बाई सी आपको पता था, उसको डिवाइड करें आप, अगर वो वैल्यू इससे, इसके बराबर या इससे कम आ रहा है तो हम पहले वाले तरीके से जाएंगे, मतलब यू कैन डायरेक्टली यूज एच प्लस इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी यूज करेंगे, आंसर हम लोग को सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये पहला केस था। दूसरा, अगर के बाई सी का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है इससे 25 × 10⁻⁴ से, तो फिर आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं होगा, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करोगे। आपको सॉल्व करना होगा के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 − α को, अल्फा आपको यहाँ से मिलेगा, फिर एच प्लस लिखोगे आप सी अल्फा, यहाँ से आप पी एच निकाल सकते हो आप। अब ये नंबर कहाँ से आया थोड़ी देर में आपको पता चल भी जाएगा आसानी से, हम एक पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं, काफ़ी आसान है। ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ तक देखें, अगर वीक एसिड है तो यही काम करना होगा। चलो ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम आप बताएंगे आपको कि वैल्यू, यही हम वैल्यू क्यों लिए थे। वीक एसिड है, आपको क्या मालूम है, आपको के मालूम है, के इक्वल टू कितना दे रखा है 10⁻⁵ दे रखा है। सी देखो पता है आपको 0.1 मोलर पता है, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। क्या बोले आपको, हम पहले के बाई सी निकालो, ये निकल गया गया 10⁻⁴, जो कि के बाई सी लेस देन है 25 × 10⁻⁴ से। सिंस ये कम है तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे एच प्लस, कंसेंट्रेशन कितना आएगा अंडर रूट के इंटू सी आएगा, के पता है आपको 10⁻⁵, सी पता है 0.1, तो यहाँ से निकल के आएगा 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 10⁻³ बाहर आ गया, एच प्लस निकल गया, और क्या निकालना था, ओ एच माइनस भी निकालना था, ये भी निकाल के दिखा देते हैं एक क्वेश्चन में आपको, हम दूसरा आप खुद से बनाना। तो इसके फॉर्मूला था के डब्ल्यू बाई कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस 10⁻⁴ होगा रूम टेम्परेचर पर,
10 टू द पावर माइनस 3 है इक्वल टू आएगा 10 टू द पावर माइनस 11 निकल गया। पीएच निकालना है तो पीएच एच प्लस से निकल जाएगा। देखिए पीएच निकालना था तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस फार्मूला हम जानते हैं, माइनस लॉग एच प्लस कितना है 10 टू द पावर माइनस 3 है, 3 आपका आ गया। पीएच अल्फा निकालना था तो चूँकि डायरेक्टली हम एच प्लस निकाले हैं तो अल्फा भी आप काम कर सकते हो, अल्फा इक्वल टू डायरेक्टली वी कैन यूज के बाई सी कितना आया था 10 टू द पावर माइनस 4 आया था, 10 टू द पावर माइनस 4 आया था, 10 टू द पावर माइनस 2 मतलब 0.01, देख रहे हो आप 0.05 से कम आ रहा है, मतलब बोलोगे आप कि 1% डिसोसिएशन हो रहा है, 1%। ठीक है तो बोले थे 5% से अगर कम डिसोसिएट होगा तो हम वी कैन यूज डायरेक्टली फार्मूला, है ना। ठीक पहला पार्ट बन चुका है, सेकंड पार्ट हमको सॉल्व करना है। ओके बस सेकंड में क्या हो गया आपके पास कंसंट्रेशन चेंज हो गया। देखो ये सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग सेकंड पार्ट को, तो सेकंड पार्ट जब सॉल्व कीजिएगा तो के तो वही रहेगा 10 टू द पावर माइनस 5, अब सी हो गया 10 टू द पावर माइनस 2। फिर से वही काम करो, पहले के बाय सी निकालो। ये चेक करते हैं हम लोग हैं कि किससे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 10 टू द पावर माइनस 3 आ गया। आपको चेक करना है क्या ये वैल्यू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा होगा तो हम डायरेक्टली यूज कर पाएंगे अपना शॉर्टकट, तो इसी को हम ले सकते हैं ना 10 टू द पावर माइनस 4। सिंस के बाई सी का जो वैल्यू है लेस देन है 25, 10 टू द पावर माइनस 4 से इससे कम है वैल्यू, कम है तो डायरेक्टली वी कैन यूज एच प्लस, कितना आएगा अंडर रूट के इंटू सी आएगा। के कितना है 10 टू द पावर माइनस 5 है, सी कितना है 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया। और इसको अगर आप लिखना है तो इतना लिख लो, रूट 10 होगा, 10 टू द पावर माइनस 4 होगा। ठीक है, रूट 10 का वैल्यू पुट कर सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो एच प्लस निकल गया। अगर पी एच निकालना है तो पी एच निकाल लो आप, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस माइनस लॉग ये रूट 10 अपने पास है इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है, तो अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो आंसर हम लोग को आएगा, माइनस रहने देते हैं, लॉग है 10 टू द पावर 1/2 है, है ना, प्लस लॉग है 10 टू द पावर माइनस 4 है, इसके बाद हाफ आगे आ जाएगा। आपको पता है लॉग 10 होता है 1 कर दिए, माइनस 4 हो जाएगा, तो दिस वन इज ये आपको मिल जाएगा 4, है ना, ये आपको मिल जाएगा 4 माइनस हाफ, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको, और ये मिल जाएगा आपको 7/2। ठीक है, तो 3.5 मिल जाएगा। ओके 3.5 ले सकते हो आप, 3.5 पीएच आ गया। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके पहले यहाँ ये पार्ट में केवल हम चेक करते हैं कि इस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अगर यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, देखो जरा, तो इसमें जो मालूम है, क्या मालूम है, के मालूम है और सी मालूम है। फिर से वही काम करते हैं, पहला काम क्या होगा हम लोग का कि आप पहले के बाय सी निकाल के चेक करो किस फॉर्मूला में हम जाएंगे। तो के है 1.25 10 टू द पावर माइनस 2 है और सी है 0.01, तो ये 1.25 आ गया के बाय सी। और थोड़ा अगर इसको हम सॉल्व करें, ये सॉल्व करने से आ जाएगा, इसको ज़रा सॉल्व करो तो ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब ये वैल्यू तो अपने पास बड़ा है, सिंस के बाई सी इज ग्रेटर देन
10^-4 से बड़ा है तो क्या करोगे आप, आपको अब डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, आप इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से अल्फ़ा हम लोग को मिलेगा। आइए सॉल्व करके दिखाते हैं कि ए बाई सी क्या लिखोगे आप। अल्फ़ा स्क्वायर 1 - अल्फ़ा लिख सकते हो आप। देखो के ए बाई सी, के ए बाई सी हम निकाल चुके हैं, 5/4 है, तो 5/4 हो गया। अल्फ़ा स्क्वायर 1 - अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 α² + 5 α - 5 = 0। यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे हम लोग, तो अल्फ़ा अगर निकालते हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू आता है -b + √d, बी स्क्वायर होगा -4ac, है ना, फिर 2a हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो दिस इज अल्फ़ा इक्वल टू आएगा -5 + √105/8 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने से आएगा -5 + 10.2 आएगा अप्रॉक्स, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा निकल के आ गया, दिस वन इज 5.2/8 हो गया, है ना। तो 0.65 मतलब 65% यहाँ डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ हम इसीलिए हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाए, डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर पाए h+= √kac, तो हमको यहाँ से सॉल्व करना पड़ा। अब हम h+ निकाल सकते हैं, h+ कितना आएगा, c × α आएगा। c पता है आपको, c इज 10^-2 है, या 0.01 बोलो आप, α 0.65 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 65 × 10^, दिस वन इज -4 आ जाएगा। तो ये आपका h+ निकल गया। अब यहाँ से आप pH निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से आप अगर pH निकालोगे तो निकल के आएगा -log 65 × 10^-4 आएगा, एंड दिस वन इज 4 - log 65 आएगा। 4 - इसका आप लॉग निकालोगे तो मिलेगा वैल्यू आपको, अब निकालोगे तो ये आएगा 1.8 आएगा, एंड दिस वन इज इक्वल टू 2.2। दिस इज आवर आंसर। चलो कुछ और भी क्वेश्चन है हम आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन जो अपने पास और है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। कंसंट्रेशन पता है आपको, अल्फ़ा भी दिया हुआ है, आपको के निकालना है, पीएच निकालना है, तो इसको बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। आइए हम दिखाते हैं आपको, बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ नहीं है क्योंकि आपको सी भी पता है और अल्फ़ा भी पता है, ठीक। तो के निकालना है जी, ये मान के चलेंगे हमको आपका कि फॉर मोनोप्रोटिक वीक एसिड, है ना, फॉर एच ए के लिए क्वेश्चन में इसको ऐड कर लेना, फॉर मोनोप्रोटिक वीक एसिड के लिए सी दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है। तो h+ कितना आएगा, h+ आता है c α, सी है 10^-3, अल्फ़ा है 0.1, तो 10^-4 हो गया। pH कितना निकल गया, pH निकल गया 4, ठीक है। फिर आपको निकालना था k निकालना था, तो k इक्वल टू अभी हम बता चुके हैं c α² 1 - α होता है इस एसिड के लिए, तो c पता है आपको 10^-3, अल्फ़ा का स्क्वायर निकालो तो 0.01 हो जाएगा, 1 - α 0.9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको आंसर निकल के आ जाएगा, देखो तो दिस इज 10^9 × 10^-5, ठीक है। यही सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, तो अपना अगला प्रॉब्लम जो है आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। के दिया हुआ है, h+ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आपको सी निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक। तो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक कमांड नहीं होगा,
तो ज़रूर से आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। कि ये पता है फिर से यहाँ भी वही क्वेश्चन में ऐड कर लेना आप यहाँ पर ही कि ये भी किसके लिए होगा, तो फोर वीक मोनोप्रोटिक एसिड एच ए, सी अल्फा निकालना है जी। के पता है तो के इक्वल टू क्या लिखते हो आप, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस बाई कंसंट्रेशन ऑफ एच ए होता है। के पता है, ये पता है आपको, ठीक। देखो जी एक बार हम रिएक्शन लिख के दिखाएं आपको तो ज़्यादा बेहतर होगा। एच प्लस ए माइनस टी इक्वल टू जीरो पे सी रहा होगा, जीरो जीरो टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, ये दोनों अगर आपको एच प्लस पता है मतलब ये भी पता है आपको, एच ए निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट किया जाए के का 2.5 10 टू द पावर माइनस 5 है, एच प्लस 4 है 10 टू द पावर माइनस 5, 4 10 टू द पावर माइनस 5, और ये कंसंट्रेशन ऑफ एच ए होगा इक्विलिब्रियम पर। ये सब इक्विलिब्रियम के टाइम पे हम पुट करते हैं तो एच ए निकल गया है इक्विलिब्रियम पर, कितना आ रहा है आइए देखते हैं। तो 4 इंटू 4 16 है, 10 टू द पावर माइनस 10 है, और इधर से 2.5 है 10 टू द पावर माइनस 5 है। तो इसको जरा हम सॉल्व करें तो 160 हो जाएगा, 25 होगा 10 टू द पावर माइनस 5 होगा। अगर इसको और ज़रा सॉल्व किया जाए तो आ जाएगा हम लोग को 6.4 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, तो ये अपना इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गया, लेकिन हम लोग को निकालना जो था सी निकालना था और अल्फा निकालना था। ओके, एच प्लस आपको दे रखा था तो एच प्लस दे रखा था तो एच प्लस इक्वल टू होता है सी इंटू अल्फा, तो सी अल्फा दोनों ही निकालना हम लोग को है। और हमको यहाँ से क्या निकल गया, हम लोग का सी माइनस सी अल्फा निकल गया, सी माइनस सी अल्फा हम लोग यहाँ से निकल चुका है इतना हो, और सी अल्फा दे रखा है, कितना सी अल्फा है 10 टू द पावर, इसका कंसंट्रेशन देख लो 4 है 10 टू द पावर माइनस 5 है। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, इसको आप 2 ले लो, सी अल्फा यहाँ पुट कर दो, कितना सी आएगा 6.4 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस सी अल्फा होगा 6.4 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस सी अल्फा इज हाउ मच, सी अल्फा इज 4 10 टू द पावर माइनस 5, ऐड कर दो 6 4 10 हो जाएगा, 10.4 होगा 10 टू द पावर माइनस 5। सी निकल चुका है, अगर सी निकल गया तो अल्फा भी निकाल लेंगे हम, सी निकल चुका है तो सी अल्फा कितना था 4 10 टू द पावर माइनस 5 था, तो 4 10 टू द पावर माइनस 5 बाई सी निकाल चुके हो आप 10.4 10 टू द पावर माइनस 5, ये तो कैंसिल हो जाएगा 40/104, ये अल्फा निकल गया, दिस इज 0.38 आ गया अल्फा। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था। ओके, आइए क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए। तो इस क्वेश्चन में क्या मालूम है, क्या दिया हुआ है, पहले आप उसी को लिखा करो। कभी भी क्वेश्चन बनाओ आप तो पहला काम यही होना चाहिए आपके पास, क्या गिवन है। गिवन आपको के है और 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है हाउ मच, 10 लीटर दे रखा है आपको वॉल्यूम, मतलब कितना हम मिक्स करेंगे फॉर्मिक एसिड को, इसका मास निकालना आपको है, आपको निकालना है W, किसका, एसिड का, कितना मास डिसॉल्व किया जाएगा 10 लीटर पानी में, ताकि सॉल्यूशन जो बनेगा उसका पीएच दे रखा है 3.5,
7। तो यहाँ से आप कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकते हैं, क्या आएगा देखो, माइनस लॉग एच प्लस 3.7 दे रखा है, तो लॉग एच प्लस कितना आ गया, ये आ गया माइनस 3.7 आ गया। लॉग का बेस 10 होता है, तो एच प्लस कितना आ जाएगा, 10^-3.7। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दिया जाए तो एच प्लस कितना आ जाएगा, 10^, अगर इसको लिखे हम, वी कैन राइट हेयर दिस इज 0.3-4, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक, ये आएगा 10^0.3 × 10^-4 आ जाएगा। अब 10^0.3 को आप क्या लिखोगे उसको समझिए। आपको हम बताए हैं log 2 का वैल्यू होता है 0.3, तो बेस 10 होता है, तो 2 = 10^0.3 हो जाएगा। तो हम 10^0.3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये हम लोग कंसेंट्रेशन निकल चुका है किसका, H प्लस का। ठीक, अब हम H प्लस तो निकाल चुके हैं, कितना होगा इक्विलिब्रियम पर, ये हम निकाल चुके हैं। तो H प्लस चूँकि आप निकाल चुके हो इक्विलिब्रियम पर, तो K एक्सप्रेशन लिखो आप। एसिड डिसोसिएट कैसे हुआ देखो, HCOOH है, एक ही इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो HCOO- बनेगा और H प्लस बनेगा। C रहा होगा इनिशियली 0, 0, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो C-C-अल्फा होगा, C-अल्फा होगा C-अल्फा। ये हम निकाल चुके हैं इक्विलिब्रियम पर, मतलब ये भी निकल चुका है अपना। हमको निकालना है C का वैल्यू, कंसेंट्रेशन C निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो K इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ HCOO- कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ HCOOH। ये सब कब निकलेगा, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर। तो आपको सब कुछ पता ही है, K का वैल्यू पता है आपको, K कितना है, तो 2 × 10^-4 है। ये दोनों को वैल्यू बराबर ही होगा इक्विलिब्रियम पर, तो C अल्फा होगा, जो कि हम निकाल चुके हैं, 2 × 10^-4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हम निकाल सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम पे कितना होगा। एक कैंसिल हो जाएगा तो एक रहेगा, मतलब HCOOH जो होगा इक्विलिब्रियम पर वो कितना होगा, 2 × 10^-4 होगा इक्विलिब्रियम पर। मतलब C-C-अल्फा निकाल चुके हो आप 2 × 10^-4 मोलर। देख लो इक्विलिब्रियम पे C-C-अल्फा होगा। H प्लस भी निकाल ही चुके हम, C अल्फा का वैल्यू निकाल चुके हैं, C अल्फा पुट कर दो C इक्वल टू कितना निकलेगा, 2 × 10^-4 प्लस C अल्फा। C अल्फा कितना निकाले हो आप, दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो C अल्फा के बराबर होगा, तो 2 × 10^-4 प्लस 2 × 10^-4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 10^-4। ये कंसेंट्रेशन किसका निकला, एसिड का, जो लिया गया था, जो लिया गया था वही हमको निकालना भी है, कितना ग्राम लिया गया था। तो कंसेंट्रेशन निकल ही चुका है आपका, तो हम वो भी निकाल ही लेंगे। देखिए आपको वॉल्यूम पता है 10 लीटर, कंसेंट्रेशन पता है 4 × 10^-4 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आसानी से, मोल क्या आएगा, कंसेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, 4 × 10^-4 × 10 हो जाएगा, 4 × 10^-3 आ जाएगा, इतना मोल है। तो मास भी निकाल सकते हो आप एसिड का, मास कितना आएगा, मोल इंटू मोलर मास, मोलर मास, मोल तो है 4 × 10^-3, मोलर मास कितना आएगा फॉर्मिक एसिड का, निकाल लेते हैं। देखिए HCOOH था तो इसका 1 हो गया, इसका 12 हो गया, 2 ऑक्सीजन था 32 हो गया, 1 14 + 32 = 46 46।
तो दिस इज़ 0.184 ग्राम। अगर आप ऐड कर दोगे फॉर्मिक एसिड को तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका पीएच कितना होगा, जो दिया हुआ है आंसर में देखो 3.7 pH हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग को मिल चुका है, आंसर हो जाएगा 0.184 ग्राम। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए कैलकुलेट जो बोल रहा है हम लोग यहाँ पर निकाल लें, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर विच शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड के दिया हुआ है टू डबल इट्स अल्फा एंड पीएच। दो क्वेश्चन अपने पास है, पहला बार में सोचना है कि अल्फा को हमको डबल कर देना है और सेकंड बार सोचना है कि पीएच को हमको डबल करना है, कितना पानी मिलाना होगा वही निकालना है आपको। एक हम बताते हैं आपको, अगर अल्फा डबल करना है तो कितना पानी मिलाना होगा। ठीक, देखिए आपको पता है एसिटिक एसिड कंसेंट्रेशन पता है आपको, के पता है। ठीक, तो सिंपल बताओ कि पहले अपने पास अल्फा कितना था, अल्फा वन इनिशियल कितना था, तो पहले तो हम के बाय सी निकाल के चाहे अंडर रूट के बाय सी कर लेते हैं, के बाय सी कितना आ रहा है भले ये बता दो आप। 10^-5 है और 0.1 है कंसेंट्रेशन, 10^-4 आ जाएगा, 10^-4 है और ये आपका और ये अगर हम बात करें तो ये हम लोग का के बाय सी जो था लेस देन आ रहा है किससे, 25^-4 से। तो अगर इससे कम आ रहा है मतलब 5% से कम डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो कितना आ रहा है ये, कि ये पता है आपको 10^-5, सी पता है 0.1, तो आ रहा है 10^-4 मतलब 10^-2, 0.01 अपने पास है अल्फा इनिशियल, पहले इतना था। अब कितना वॉल्यूम बढ़ाना होगा, कितना पानी ऐड करना होगा ताकि अल्फा डबल हो जाए, तो अल्फा को डबल किया जाए, अल्फा फाइनल कितना होगा, ट्वाइस ऑफ दिस वन 0.02 अल्फा, ये हमको दे दिया, डबल हो गया। तो अगर आपको निकालना है कितना ऐड करना होगा, ठीक है, अल्फा अगर पता है हमको है तो क्या करेंगे, देखो आप, आपको के इक्वल टू अभी भी देखो आपका अल्फा क्या है, 0.05 से कम ही है, तो अगेन हम लोग वही काम करेंगे कि अल्फा फाइनल जो अपने पास होगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी हम कर सकते हैं। हमको सी निकालना अब है, अल्फा ये हमको पता है के तो फिक्स रहता है, तो अल्फा फाइनल का स्क्वायर करें अगर हम तो कितना आएगा, के बाई सी आएगा, ये हमको निकालना है, इसको हम सी कर देते हैं फाइनल। ठीक है, सी फाइनल, तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर ही, तो देखिए आप अल्फा फाइनल आपको पता है 0.02 × 0.02 इक्वल टू के पता है आपको हाउ मच, के 10^-5, 10^-5 बाई ये हमको निकालना है। तो देख लीजिए आप, 10^-5 है बाई 4^-4 आ जाएगा, मतलब ये अपने पास आ जाएगा 1/40 आ जाएगा, ये मेरा कंसंट्रेशन हो जाएगा फाइनल। इनिशियल कितना था हमको पता है, ठीक है, मोल तो चेंज हो नहीं रहा है एसिड का, बस पानी मिला रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, पहले कंसंट्रेशन 0.1 था, तो पूछ रहा है कितना पानी मिलाया गया होगा, तो वी कैन यूज डाइल्यूशन फार्मूला है ना, M1V1 इक्वल टू M2V2, M1 था 0.1, वॉल्यूम कितना था पहले का, पहले का वॉल्यूम है 300 ml, ml में ही रहने देते हैं, M2 कितना है 1/40 हो गया, V2 निकालते हैं ml में निकलेगा, तो V2 इक्वल टू निकल के जो आएगा उसको देख लिया जाए। चलिए तो ये अपना इतना ml निकल के आएगा V2, तो कितना पानी मिलाया गया होगा,
है ना, V2 किसके बराबर आएगा, V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर आएगा। तो V1 तो 300 था, V वाटर निकाल लेंगे, ये तो हो गया 1200, मतलब कितना पानी मिलाया गया होगा, 900 ml पानी मिलाया गया होगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ऐसा ही आपको निकालना है सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड का जो मिलेगा आपको, सेकंड पार्ट जो बनाओगे तो उसका आंसर मिलेगा आपको 2.72 × 10⁻⁷ ml, है ना। ये आंसर पहला पार्ट का है, पहला पार्ट का आंसर मिल चुका है, मतलब सॉल्व कर लिए हैं। सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करना, इसी तरह सॉल्व करना। यहाँ पर अल्फा डबल हुआ था, यहाँ पी एच डबल कर दोगे आप, ठीक।